ब्रेकिंग न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट, चेंज किया गया है सीए न्यू कोर्स में। फाइनली आईसीएआई का न्यू अनाउंसमेंट सीए न्यू कोर्स के रिगार्डिंग में, आईसीएआई का जो न्यू कोर्स का गाइडलाइन था उस गाइडलाइन में ही चेंज कर दिया गया है कुछ पॉइंट पे, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो चेंज किया गया इसको सबसे पहले चार्टर्ड स्टडीज आप लोगों को अपडेट कर रहा है। वैसे भी सीए सीएस सीएमए कोर्स के बारे में सबसे पहले पिछले 3 सालों से चार्टर्ड स्टडीज ही अपडेट करता आ रहा है। ये बस आप लोगों का प्यार एंड ट्रस्ट है जिसके कारण से चार्टर्ड स्टडीज सबसे पहले अपडेट कर पाता है। और हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सीए स्टूडेंट्स के साथ। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अनाउंसमेंट देखने के लिए आईसीएआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, ऊपर में ही न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शो करेगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। मोबाइल पे अगर नहीं शो कर रहा होगा तो डेस्कटॉप वर्जन में क्लिक कर दीजिएगा। मेरा मतलब है डेस्कटॉप वर्जन में जाकर के आईसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, देन आपको शो कर जाएगा। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, ये अपडेट कब का है? 27 जुलाई 2023। आज डेट क्या है? 27 जुलाई 2023 आज के डेट का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट एफएक्यू 1 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ था, इसका सेकेंड वर्जन आपको 7 जुलाई 2023 के डेट में रिलीज हुआ था और 24 जुलाई के डेट में थर्ड वर्जन रिलीज हुआ है। तो आप लोग इसको पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हो आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके, दूसरा नहीं तो चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से। वैसे थर्ड वर्जन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कल हो सकता मैं इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूं, बट कुछ स्टूडेंट्स को मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। बाकी तो लाखों लोगों का मुझ पे प्यार है ही। अगर जो लोग चार्टर स्टडीज को रेगुलर फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, फिर भी आईसीआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट को देखे होंगे, एफएक्यू को पढ़े होंगे, तो वहां पे क्लियर लिखा था जो लोग भी 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो लोग न्यू कोर्स 2 साल वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गुड न्यूज बताऊंगा, तो लाइक टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स, आप लोग कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या था? 30 जून 2023। 30 जून 2023 से पहले जो लोग भी आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग न्यू कोर्स में आर्टिकलशिप में नहीं जा सकते। न्यू कोर्स में कन्वर्ट हो सकते लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। उस एफएक्यू को चेंज कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर सकते हो आप लोग 3 साल वाले आर्टिकलशिप को। फाइनली गुड न्यूज ये है कि आप लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हो 3 साल वाले आर्टिकलशिप को और 2 साल वाले आर्टिकलशिप में आप लोग जा सकते हो, लेकिन क्या करना होगा? बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप 2 साल वाले आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड कर सकते हो और 3 साल वाले का कोई भी क्रेडिट पीरियड काउंट नहीं होगा। अब ध्यान से बात देखो सुन लेना, जिनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 2 साल कंप्लीट हो चुका है, क्यों कन्वर्ट करोगे 2 साल वाले आर्टिकलशिप में? लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट है, मई 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, 30 जून 2023 से पहले आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, उनको भी नहीं पता था न्यू कोर्स आएगा नहीं आएगा, जल्दीबाजी में रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, तो वो लोग चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या वो चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं 3 साल वाले आर्टिकलशिप को। कोई भी स्टूडेंट्स 3 साल वाले आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो चाहे तो डिसकंटिन्यू करके 2 साल वाले आर्टिकलशिप में जा सकते हो, लेकिन 3 साल वाले का आर्टिकलशिप का कोई भी क्रेडिट पीरियड आपको काउंट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा इस अनाउंसमेंट से। बाकी 3 साल से आप 2 साल में जाना चाहते हो तो एक बार अपने टीचर से या अपने सीनियर से जरूर गाइडेंस ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से डायरेक्ट एंट्री वाले जो कि मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उनको आर्टिकलशिप में 9 मंथ का कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 30 जून 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, साथ में मई 2024 में एग्जाम देना, 1-2 मंथ कंप्लीट है, आप चाहो तो डिसकंटिन्यू कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी जब बोथ ग्रुप क्लियर होगा उसके बाद आप लोग 2 साल का आर्टिकलशिप कंटिन्यू कीजिएगा। और अभी तक पेपर वाइज एग्जामिनेशन, ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि 15 अगस्त या उससे पहले आ सकता है नोटिफिकेशन। जैसे ही पेपर वाइज ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले चार्टर्ड स्टडीज प्रोवाइड करेगा। न्यू एफएक्यू को आपको डाउनलोड करना है तो चार्टर्ड स्टडीज टेलीग्राम पे सर्च करो, 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करके बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हटना? टेलीग्राम से न्यू वर्जन वाला एफएक्यू आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आपके मन में कोई एडिशनल डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अनअकैडमी पे अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका बेनिफिट आप सारे स्टूडेंट्स जरूर लीजिएगा, चाहे आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या इंटरमीडिएट का। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का प्रिपरेशन करना चाहते हो इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या जून 2024 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो इसके लिए भी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड यूज करना है चार्टर्ड स्टडीज 10 कूपन कोड। सेम आप सीए इंटरमीडिएट के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अगर आप 27 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिले। बस आपको कोड यूज करना है चार्टर्ड स्टडीज 10 कूपन कोड।
अन अकेडमी पे वार्म अप बैच स्टार्ट हो चुका है ग्रुप वन एंड ग्रुप टू न्यू सिलेबस में सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और कोड जरूर यूज करना चार्टर्ड स्टडी स्टैंड कूपन को।